साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, साथी आप सभी से लगातार बात हो रही है, लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको फर्श से अस्त तक में कोई ना कोई नई बात, नई कहानी आपके समक्ष कुछ मिनट की रखता हूं। उसी श्रृंखला में आज मैं, एक मेरा बचपन का संकल्प था कि मैं अभिनय करूंगा, मैं अभिनेता बनूंगा, मैं कुछ गाऊंगा, ऐसा मेरा बचपन में शौक था। गांव में रह करके, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया है कि मैं घर में रह करके अपने बाहर जाने पर, किसी फंक्शन पर, विद्यालय के कार्यक्रमों पर, 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे भाग लेता था और अपना नाम सबसे पहले उस लिस्ट में लिखवाता था जहां हमें दो शब्द कहने का गद्य के रूप में या पद्य के रूप में मिले। ये मेरी बचपन की आदत में शामिल हो गया था और इसको चलते चलते मूर्त रूप में मैंने, जब बता आपको मैं बता रहा हूं कि 27 नवंबर सन 1997 में बर्रा विश्व बैंक क्षेत्र में पहली बार मुझे एक अभिनेता के रूप में, जो राजा जनक की भूमिका, जिसमें रामलीला से जो लोग परिचित होंगे, जो रामलीला के शौक रखते होंगे, तो एक दिन का धनुष यज्ञ का कार्यक्रम होता है और उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में राज राम शाम से वो मेकअप शुरू होता है, अभिनय शुरू होता है और प्रातः सुबह 6 बजे 7 बजे वो खत्म होता है। पूरी रात का एक कार्यक्रम राजा जनक के रूप में वो धनुष यज्ञ में प्रत्येक जगह आप सब देखते होंगे होता है। मैंने भी प्रथम बार जो अभिनय किया वो विश्व बैंक क्षेत्र में, मेरे सारे लोग परिचित थे, मेरे क्षेत्रीय निवासी थे, मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के ख्यात प्राप्त कलाकारों ने मेरे साथ अभिनय भी किया और मुझे वो मंच, साथियों आप सबका स्नेह और प्यार इतना मिला कि मैं एक अभिनेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। इसीलिए मैंने किसी कवि की कुछ पंक्तियां इसमें याद आती हैं, वो कहना चाहूंगा कि कहां से आए कैसे आए यह किसी को मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं, मेघों को मालूम नहीं। कवि ने कहा है कि जब वर्षा होती है तो जो बूंद पड़ती है वो किसी को नहीं पता होता कि वो बूंद कहां पर गिरेगी। अगर वो बूंद सीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से साथियों, आप सबके बीच से आपका ये छोटा भाई, आपका ये भतीजा, आपका बड़ा भाई, आपका मित्र आपके बीच में अभिनेता के रूप में स्थापित हुआ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रत्येक दिन जरूर कुछ न कुछ मेरे द्वारा आपके बीच में होगा, आप इसको देखें भी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।